यहाँ की स्थानीय भाषा से कुछ परिचित था, लेकिन राजकीय प्राथमिक विद्यालय शोक में जब मैं जुड़ा तो वहाँ ज़्यादातर बच्चे स्थानीय भाषा बोलते। हिंदी शिक्षण करवाने में जो हिंदी के शब्द हैं उनको स्थानीय भाषा के माध्यम से समझाया, बच्चों के समझ में भी आया। कई शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में उनका अर्थ और राजस्थानी भाषा में उनका अर्थ समान होता है। फिर उनको बच्चों को हमने ये बताया कि आपकी राजस्थानी भाषा में या जो यहाँ की स्थानीय भाषा है उसको लेकर हम हिंदी शिक्षण कार्य करवाएंगे तो हमें फिर आगे जाकर दिक्कत आएगी। तो बच्चों को जो शिक्षण बिंदु थे, जो हिंदी में जो बातचीत थी, बातचीत तो हम राजस्थानी में करते थे लेकिन समझाना जो होता था हिंदी के संदर्भ में ही समझाते थे उनको, और बच्चों के समझ में भी आने लगा। छोटी क्लास से हमने काम शुरू किया और पाँचवीं तक काम करते थे, तो बड़े क्लास के जो बच्चे थे तीसरी चौथी पाँचवीं के वो तो हिंदी काफ़ी हद तक जानते थे, उनमें तो हमें दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन जो पहली दूसरी के बच्चे थे उनको स्थानीय भाषा को जोड़कर ही हिंदी शिक्षण कार्य करवाना पड़ता था, लेकिन वो अच्छे से वो उसको पकड़ लेते थे, कैच कर लेते। बच्चों के बीच जाकर चित्रों के माध्यम से स्थानीय भाषा को काम में लेकर अंग्रेज़ी पढ़ाई, अंग्रेज़ी की का शिक्षण करवाया, अंग्रेज़ी सिखाई उनको बच्चों को, तो बहुत धीरे धीरे स्लोली स्लोली वो बच्चे आगे बढ़ते चले गए। जो शिक्षा का लेवल है उस लेवल से हम मतलब आसान से मुश्किल की तरफ बढ़ते चले गए। तो बच्चे चित्र के माध्यम से सीखने में रुचि रखते थे और स्केचिंग वगैरह के द्वारा उनको अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट्स वगैरह और मीनिंग्स वगैरह भी बच्चों को बताई जाती थी। जैसे पहली या दूसरी क्लास की हम बात करें तो चित्रों के माध्यम से अल्फ़ाबेट बताया उनको, उसके साथ साथ जो अल्फ़ाबेट से बनने वाली जो मीनिंग है पाठ्यपुस्तक में जो दे रखी है उसको हमने व्यवहार में बताया। आइसक्रीम है तो बच्चों को साक्षात आइसक्रीम दिखाई या बच्चों ने देख रखी है तो उनको साक्षात अनुभव कराया। कई चीज़ें हैं जैसे टंकी है, गिलास है और बॉल है, बैट है, बुक है, तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो उनको मतलब साक्षात वो उससे रूबरू होते हैं लेकिन वास्तव में पहचान नहीं पाते कि इस पुस्तक को, इस किताब को ही हम अंग्रेज़ी में बुक कहते हैं। लेकिन जब उनको पहचान करवाई और उनको जीवन में उतारा उन्होंने तो अंग्रेज़ी उनको सहज और आसान लगने लगी। बच्चों उसके अभिभावक से हमारे बेहद मधुर संबंध रहे। उसका कारण ये रहा कि हम विद्यालय समय से पहले आते थे और गार्जियन से और अभिभावकों से बच्चों से हम मिलते थे। किसी बच्चे की कोई परेशानी है या किसी माता पिता की तरफ से कोई परेशानी है तो हम उनको व्यक्तिगत रूप से मिलते और बातचीत करते। अगर बच्चा नहीं आ रहा एक दिन या दो दिन तो हमारे प्रधानाध्यापक और मैं मिलकर उनसे संपर्क करते थे, कारण जानते थे और थोड़ी यह भी छूट दे रखी थी कि किसी काम से यदि बच्चा विद्यालय नहीं आ सकता तो जब भी उसको समय मिले वो विद्यालय आ सकता है, विद्यालय समय के अलावा भी विद्यालय में आ सकता है। सर चुनौतियाँ इस तरीके आई कि एक बार पर्यावरण में नशा मुक्ति वाला अध्याय मैंने पढ़ाया, दो दिन बाद ही कुछ बच्चों ने कहा सर को उसके पिताजी ने बहुत मारा। बच्चा विद्यालय आया, बच्चे से बातचीत की, भाई आपके पिताजी ने आपको मारा, तो बच्चा मायूस हुआ और मुझे बड़ा दुख हुआ, बेटा आपकी पिटाई हुई तो क्यों हुई, कि सर आपने कहा था ना कि नशा नहीं करना और करने भी नहीं देना, मेरे पिताजी रोज़ाना शाम को मुझसे शराब मंगाते हैं, मैंने उनको लाकर नहीं पी। तो पिताजी ने कहा कि तेरा बाप मैं हूँ या वो मार साहब, ये बात को लेकर मेरे पिताजी ने मुझे बहुत मारा सर, बहुत मारा, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने शराब लाकर नहीं पी। उस बच्चे ने मुझे बहुत प्रभावित किया, एक गम के साथ साथ एक खुशी भी थी कि बच्चे ने उसको अपने जीवन में उतारा। तो बच्चा शायद मैं जहाँ तक समझता हूँ कि नशा कभी जब किसी पिता को करने नहीं दे रहा तो शायद वो बच्चा भी कभी जीवन में नशा नहीं करेगा।